हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन 2.0। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, ये कोई वेज बिरयानी नहीं, ये कोई मीट को यूज़ करके बनाई हुई बिरयानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसे बिरयानी है जिसमें मैंने एग यानी अंडों का इस्तेमाल किया है। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं अंडा बिरयानी यानी कि एग बिरयानी। दोस्तों, एग बिरयानी की रेसिपी को जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ ऐसी रेसिपीज़ को और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, और हाँ दोस्तों, हमेशा मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं अंडा बिरयानी। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इस कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी लिया है। अब मैं इस साइज़ का 10 से 12 आलू इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें एक लेमन का स्लाइस ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा कुकर काला ना पड़े। दोस्तों, अब मैं इसमें 6 अंडा शामिल कर रही हूँ। दोस्तों, अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं इसका लिड लगा के इसमें अच्छे से प्रेशर आके विसल आने तक इसे बॉईल करने वाली हूँ, तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक 2 विसल सही तरीके से आ जाए ताकि आलू और अंडा दोनों ही अच्छे से बॉईल हो जाएं। आलू कम्प्लीटली बॉईल होकर सॉफ्ट हो जाए और अंडा हार्ड बॉईल हो जाए। चलिए दोस्तों, हम इसे 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल करते हैं 2 विसल आने तक। दोस्तों, मैं इस पैन में 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून फेनल सीड यानी कि सौंफ शामिल कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, मैं इसमें 4 अदद लौंग शामिल कर रही हूँ यानी कि क्लोव। साथ ही साथ मैं इसमें 2 छोटी इलायची शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा 1 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। और अब मैं 1 स्मॉल साइज़ की ब्लैक कार्डमम ऐड कर रही हूँ यानी कि बड़ी इलायची। दोस्तों, मैं इसमें 1 ड्राई रेड चिली ऐड कर रही हूँ। मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके रोस्ट कर लूँगी यानी कि हल्का सा इसे ऐसे भून लूँगी। उसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे इसे कोर्सली ग्राइंड करके। दोस्तों, हमारा अंडा और आलू अब बॉईल हो गया है, हम इसे अच्छी तरीके से इसको छील लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा अंडा और आलू छिला गया है। दोस्तों, अब मैं एक टूथपिन की हेल्प से इस अंडे में इस तरह से सुराख करने वाली हूँ। ऐसा करने से जब हम अंडा फ्राई करेंगे तो वो फट के उड़ेगा नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो रोस्ट हो चुका है, हम इसे कोर्सली अब ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मसाला दिखने में अब कुछ ऐसा लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट लिया है जिसे पीसने के बाद ये लगभग 2 टेबल स्पून बन पाएगा। और साथ ही साथ मैंने 1 ग्रीन चिली ली है यानी कि हरी मिर्च, हम इसे पीसने वाले हैं ग्राइंडर में। दोस्तों, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कोकोनट को इस बाउल में निकाल लिया है। इसमें मैं 1/2 छोटी चम्मची काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं 1/2 छोटी चम्मची इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। दोस्तों, इसमें मैं 1/2 कप फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ। हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैं इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मसाला अब बनके तैयार है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक लार्ज साइज टोमेटो यानी कि टमाटर को इस तरीके से कट कर लिया है। मैं इसे ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। दोस्तों मैंने दो लार्ज साइज़ की अनियन यानी कि प्याज को इस रिंग शेप में इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। अब हम इसे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जिसे हम प्याज की बिरयानी भी कहते हैं। देख सकते हैं मैंने इस पैन में 5 से 6 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है और ये ऑयल अब गर्म हो गया है। इसमें मैं एक बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें अपनी सारी अनियन को ऐड कर रही हूँ। दोस्तों हम इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों ये हमारी अनियन फ्राई हो गई थी, इसका एक हिस्सा मैंने निकाल लिया है। इसे मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी दम लगाने के टाइम पे, और इसे जो मैंने निकाला है इसे मैं हाथ की मदद से थोड़ा क्रश कर लूँगी। दोस्तों ये वो ऑयल है जिसमें मैंने अभी अनियन को फ्राई किया था, इसमें मैं इन टोमेटो के स्लाइसेस को ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट इसलिए ताकि हमारा टमाटर जो है वो जल्दी गल जाए। दोस्तों 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद टोमेटो में मैं अब अपने कोकोनट, फ्रेश कोकोनट और मिल्क के कॉम्बिनेशन को ऐड कर रही हूँ। दोस्तों अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही कुक कर लेंगे। दोस्तों अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस को ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने कोर्सली ग्राइंड किया था। दोस्तों साथ ही साथ मैं इसमें अब फ्राइड अनियन को जिसे मैंने क्रश करके रखा था मैं उसे ऐड कर रही हूँ। दोस्तों मैं इसमें अब 1 स्मॉल कप नॉर्मल वाटर ऐड कर रही हूँ। दोस्तों अब हम इसमें आलू और अंडे को डाल के 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर खुले पैन में कुक करेंगे। तो ये 12 से 14 कप पानी है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट यानी कि नमक शामिल कर रही हूँ। दोस्तों अब मैं इसमें 2 लेमन के स्लाइसेस को ऐड कर रही हूँ। दोस्तों मैं इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। रिफाइंड ऑयल इसलिए ताकि चावल हमारा आपस में चिपके नहीं। दोस्तों ये बिरयानी वाला 1/2 kg चावल है जिसे मैंने 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा है। मैं इसे बॉइल्ड राइस बनाने वाली हूँ, कोई पुलाव नहीं, सिंपल सादा बॉइल्ड राइस। दोस्तों देख सकते हैं आप कि पानी बॉईल हो गया, मैं इसमें राइस को ऐड करने वाली हूँ। दोस्तों हम इस चावल को 3 हिस्सा कुक करेंगे, एक हिस्सा रहने देंगे, एक हिस्सा ये दम पे डालने के बाद कुक होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा चावल बनके तैयार है। ये 3 हिस्सा कुक हुआ है, एक हिस्सा बाकी। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लग रहा है इस टाइम पे। दोस्तों हम इसका दम डालेंगे। दम लगाने के टाइम हम जिन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं वो है 1 नींबू का अर्क यानी कि 1 मीडियम साइज़ लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है। यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ चॉप कैप्सिकम है जिसे मैंने इस तरह से कट किया है। साथ ही साथ देसी घी है। यहाँ पे थोड़ी सी फ्राइड क्रिस्पी अनियन है यानी कि तली हुई प्याज, और यहाँ पे थोड़ा सा करी पत्ता मैंने लिया है, फ्रेश करी लीव्स, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इसे मैं दम लगाने के टाइम पे यूज़ करने वाली हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं अब हमारा ये अंडा और आलू बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। अब हम फ्लेम को टर्न ऑफ करके से फ्लेम से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इस चावल को मैंने स्ट्रेन करने के बाद यानी कि पसाने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक पैन की हवा में रख दिया था ताकि इसका सारा गर्म भाप जो है वो निकल जाए। दोस्तों मैं इसमें
3 स्पून लार्ज स्पून इस स्पून की नाप से चावल डाल रही हूँ। एक स्पून मैंने पहले से डाला था और दो मैंने अभी डाला है। अब मैं इस पे 2 अंडा डालूँगी, साथ ही साथ 3-4 आलू और थोड़ा सा मसाला। दोस्तों अब मैं इस पे थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ थोड़ी सी फ्राइड अनियन, साथ ही साथ मैं इसमें 2-4 पत्ती कड़ी पत्ते का ऐड कर रही हूँ। दोस्तों अब मैं 2-4 खतरा नींबू का अर्क ऐड करने वाली हूँ। दोस्तों मैं इस लेयर में आधी छोटी चम्मच देसी घी का शामिल कर रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरा लेयर भी इसका डालने वाली हूँ। मैं 3 से 4 लेयर जितना हमारा राइस है उसके हिसाब से इसका लेयर मैं डालूँगी। दोस्तों ये मेरा तीसरा लेयर है, मैंने 3 लेयर ग्रेवी का डाला है और मैं 4 लेयर चावल का डालूंगी। दोस्तों अब हम इस तरीके से इसे प्रेस कर करके अच्छी तरीके से बैठा देंगे और इसे 1 घंटे के लिए धीमी आंच पे तवे के ऊपर इस पॉट को रख के दम पे डाल देंगे 1 आवर के लिए। दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि इनके हिसाब का नमक कभी कम हो जाए तो आप डायरेक्ट नमक कभी ऐड ना करें। आधी कप दूध में थोड़ा सा नमक जितना आपको डालना हो उतना डाल के इसको इसमें डालें और फिर उसे 10 से 15 मिनट तक दम पे रहने दें। ऐसा करने से आपका नमक इवनली मिक्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसे अच्छी तरीके से लिड डाल के ढक्कन डाल के दम पे डालते हैं। दोस्तों एक बात का और ख्याल रखिएगा कि जब आप ढक्कन डालें इस पॉट को एक तवे के ऊपर रखें, फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखें और ढक्कन के ऊपर लिड के ऊपर कोई एक हेवी चीज़ वज़न वाली चीज़ रख दें। इससे जिसके अंदर हॉट वेपर होगा, हॉट स्टीम होगी, वो स्केप यानी कि बाहर नहीं निकल पाएगी और अंदर अंदर बिल्कुल ही अच्छा फ्लेवर आता रहेगा। दोस्तों ये हो गया। दोस्तों ये मैं आधी छोटी चम्मची गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर से डाल रही हूँ। दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस गरम मसाले के पाउडर में मैंने नटमेग यानी कि जायफल, जावित्री, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सिनेमन यानी कि दालचीनी सभी चीज़ों को शामिल किया है। काली मिर्च, ज़ीरा सभी चीज़ों को मैंने ऐड किया था। सबको डाल के मैंने इसे रोस्ट किया था और फिर उसका पाउडर बनाया था। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर इनकेस आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो तो आप नॉर्मल गर्म मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वो हम इसे दम पे डालते हैं। हाँ दोस्तों इसमें मैंने इन टोटल 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल की है। दोस्तों अब हम इस तरह से इसे दम पे 1 घंटे के लिए रहने देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं 1 घंटा हो गया और अब हमारी बिरयानी बनके बिल्कुल ही तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद हमारी बिरयानी कुछ देखने में इस तरह की लग रही है। Thank you friends, please like, share, subscribe and hit the bell icon.
थैंक यू. स्टे हेल्दी, स्टे रॉकिंग एंड स्टे ब्लेस्ड.